सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अभिषेक रंजन और आप देख रहे हैं बियॉन्ड इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप रेन वेदर में कैसे जो है ड्राइव कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड छोटी-छोटी ट्रिक्स बताऊंगा आपको जो आपकी गाड़ी को स्किड वगैरह नहीं होने देंगी, आप गड्ढे में आराम से निकाल सकेंगे और आपकी जो विजिबिलिटी है उसको भी आप अच्छा कर सकेंगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। अभी मैं आया था कुछ और वीडियो बनाने, यहाँ पर यहाँ बारिश हो गई है तो मैं आपको ये भी वीडियो जो है बना के दिखा देता हूँ जल्दी से। मौके पर चौका मार लेते हैं हम तो। यहाँ पे नॉर्मल ड्राइव करना मैंने आपको उस वीडियो में सिखा दिया, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं ड्राइव कैसे करना है। अभी आपको बताता हूँ रेन में कैसे ड्राइव करना है। सबसे पहले आप गाड़ी ऑन कर लीजिए, गाड़ी को अंदर से गर्म मत होने दीजिए। आप पंखा चला सकते हैं एसी नहीं तो। सामने की जो साइड के शीशे उनको आप साफ नहीं कर सकते, लेकिन आप इतना साफ करके रखिए अंदर धुंध ना जमा होने दीजिए। आप पंखे जो है इस वाले ऑप्शन पे चला सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें जो अंदर धुंध जमा नहीं होती है। इसी तरीके से आपको ये जो रेन में करना है वही आपको यहाँ पर फॉगी एरिया में भी करना है जहाँ फॉग होगा। वाइपर को जो है हल्की बारिश हो रही है तो कुछ इस तरीके से चला के रखिए जो थोड़ी थोड़ी देर में आपका जो है थोड़ी थोड़ी देर में जो चलता रहेगा। नहीं तो आप जो है इसको दूसरे मोड पर भी लगा सकते हैं जिसमें ये जो है जल्दी जल्दी चलेगा। अभी देख रहे हैं धीमे वाले मोड पर लगा, अभी जल्दी वाले मोड पर लगा देता हूँ तो जल्दी जल्दी ये चलता रहेगा। वाइपर को कभी भी सूखा बिल्कुल भी ना चलाएं, ये मेरी एक तरीके से राय है। बरसात अभी तेज हो रही है, अभी आपको करना क्या है, शीशे नहीं खोलें, गाड़ी के पानी अंदर आ जाएगा और आपको जो है विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए जो है वाइपर को है जो यहाँ पर चलाते रहना है। भले ही आप थोड़ी थोड़ी देर में चलाइए और पीछे वाइपर है तो काफ़ी अच्छी बात है, डिफॉगर है काफ़ी अच्छी बात है। और आपको जो है यहाँ पर हजार्ड लाइट का प्रयोग नहीं करना है बिल्कुल भी। और जो है स्लिपरी रोड होती है उसकी वजह से आपको ब्रेकिंग जो है सही से करनी है, समझ के करनी है, गियर का यूज़ सही से करना है और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गाड़ी जो स्किड करती हैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको कहीं गड्ढे दिख रहे हैं तो वहाँ से बिल्कुल मत निकालिए। पानी आपको लग रहा है भरा हुआ तो आप साइड में गाड़ी लगा लीजिए, दूसरी गाड़ी को निकलते हुए देखिए कि जो दूसरी गाड़ी निकल रही है वो कितनी डूब रही है, बाइक या कार या कोई इंसान निकल रहा है तो वहाँ पे कितना पानी अंदाजा लगाइए। सबसे जहाँ पे कम गड्ढा, ये समझिए छोटे मोटे गड्ढे जो होते हैं वो जहाँ पे हों और हल्का पानी भरा हो वहाँ पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर प्लेन रोड है लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा भरा है वहाँ से मत निकालिए। हो सकता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो, लेकिन जहाँ पे आपको रोड दिख रही है केवल वहीं से आप गाड़ी निकालिए। यहाँ पर आपको रोड नहीं दिख रही वहाँ से गाड़ी मत निकालिए, आप अवॉइड कीजिए उस रोड को। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात तो रेनी सीजन में आप फंस जाएँ तो ही ये टिप्स हैं। रेनी सीजन में कार निकालना बेवकूफ़ी है और गाड़ी भी आपकी गंदी हो जाती है, लेकिन फन तो आता है, लेकिन आपकी गाड़ी में जो है डेंट वेंट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्कट करती है एकदम गाड़ी और काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी रोड है। अभी मैं आपको अगर थोड़ा सा दिखाऊं सामने की तरफ, अगर आप देख पाएँ तो रोड है पूरी भीगी हुई है, इस पर जो गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से स्लिप करेगी। और अभी मैं आपको इधर दिखाऊं, इधर भी पूरी सब कुछ भीगा पड़ा है तो जो है आपकी गाड़ी को स्किड ना होने दें। जहाँ पे पानी भरा है वहाँ से बिल्कुल भी ना निकालें, हल्के गड्ढे वड्ढे चलेंगे और रिस्क भी ना लीजिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब जब जो आप गाड़ी जो है यहाँ पर चलाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम जो है फेस करने को मिलेंगी मैं आपको बता। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अभी मेरी गाड़ी जो है यहाँ पर रेन में चल रही है और जो है काफ़ी ज़्यादा स्किड होने के चांसेस हैं यहाँ पे। और सामने की जो विजिबिलिटी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, काफ़ी कम है। आपको करना क्या है, वाइपर जो है आप चलाएं मेरे हिसाब से तो अभी मुझे काफ़ी कम दिख रहा है, इसलिए मैं बराबर वाइपर चला रहा हूँ जिससे कि मेरी विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी हो जाए सामने की। और सामने से जो है कभी कोई आ रहा है तो उसको जो है यहाँ पर पास दे दीजिए, या अगर आपको लग रहा है आपको गाड़ी यहाँ पर नहीं रोकनी चाहिए तो आप यहाँ पर जो है वो भी दे सकते हैं, सामने का डिपर जला सकते हैं उसको जो है समझाने के लिए कि अभी आपकी जो है गाड़ी वो चल रही है और वो हट जाए सामने से। तो कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पर कर भी सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और आप गाड़ी चलाते वक्त ये ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, कहीं गजी जगह पे मत घुसड़िए जल्दबाजी के चक्कर में। और बरसात में बहुत अच्छे तरीके से देख के चलाइए, किसी को पैर मत दीजिएगा और क्या। और कुछ इसी तरीके से छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। गाड़ी मैंने यहीं पर रोक ली है, अभी मैं जस्ट घर पर जाऊँगा। अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, गाड़ी स्किड होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, विजिबिलिटी कम हो रही है सामने की। हजार लाइट मत जलाइए, हल्के से आप यहाँ पर फॉग लैंप्स वगैरह जला सकते हैं सामने की जो गाड़ी है वो पता चल जाए। आप लाइट जला सकते हैं दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी विजिबिलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही आप फॉगी वगैरह है और थोड़ा वैसा है तो आप यहाँ पर हजार भी जला सकते हैं, लेकिन हजार आप ना जलाएं तो सही है। और सामने वाले को ज़्यादा परेशान ना करें, यहाँ पर पास वगैरह दे के अगर आपको चाहिए तो पास लीजिए। बिल्कुल अपना थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल में दिमाग रख के यहाँ पर चलाइए, ज़्यादा भड़बड़ी में हड़बड़ी में गुस्से में मत चलाइए, विजिबिलिटी देखिए बिल्कुल भी नहीं रह गई है। तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये वीडियो मैंने बनाया, देख लीजिए आप यहाँ पे। और काफ़ी सारे मेरे इसी तरीके के वीडियोज़ हैं, टेक वीडियोज़ जो मैं कार से रिलेटेड बनाता हूँ। ये वीडियो से इतना ज़्यादा लाइक शेयर करें, बिना समझ जाइए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, उससे पहले यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन या सवाल हो तो वो पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तो देख लीजिए, फॉरगेट सो बी हैप्पी।